हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी सिंथिया, यू ऑलरेडी नो मी। और आज देखते हैं कि मम्मा लोग क्या कर रहे हैं। हेलो गाइस, बहुत सारे पैकेट आपने बना के रखे हुए हैं, ये किस लिए? ये लॉकडाउन यहाँ पे मलेशिया में लगा हुआ है तो हम लोग दे रहे हैं खाना, चिकन बिरयानी। तो ये पैकिंग हमारी जो है अभी चल रही है, फाइनल नहीं हुआ। तो ये देखिए, इसने मैंने बनाई है बिरयानी, चिकन बिरयानी अंदर दिखाएँ। ये रही चिकन बिरयानी, कुछ अभी हो रहे हैं। तो टोटल कितने बनाने हैं आपने बॉक्स में? बॉक्स में 50 बन जाए, ट्राई कर रहे हैं, लेट्स सी। आधे हमने बेल दिए, अभी थोड़ी और बनाते हैं। तो ये साथ में सलाद रायता वगैरह भी है। तो अम्मी पैकिंग कर रही है, हेल्प कर रही है मेरी पैकिंग में। तो मैंने ये बना रही थी, मैं सुबह से लगी हुई हूँ, तो फाइनल मैंने बना ली है। फाइनली आप देख सकते हैं, तकरीबन ये 5 किलो की हो गया ना, 6 किलो, 6 kg बिरयानी हमने बनाई है विद चिकन, और साथ में ये रायता भी मैंने तैयार किया है। तो ज़रूर गाइस दुआ करना कि कबूल करे खुदा, जिसने ये नया जो जो खाए वो कबूल करे, और उसके रिस्क रोटी पे पैसे पानी में खुदावन और बरकत दे। देने वाले हाथ को खुदावन हमेशा बरकत देता है, और उसको खुदावन बरकत देता है जो खुशी से देता है। और खुशी पाक कलाम में भी लिखा है कि खुशी से देने वाले को खुदावन कबूल करता है। तो खुदावन इस रिस्क को और इस देने वाले हाथों को खुदावन कसरत की बरकत दे, और इस रिस्क पे भी बरकत दे, और जो खाएं वो खुदावन की तरफ से कुव्वत और सेहत सलामती तंदुरुस्ती पाए, आमीन। हाँ तो व्यूअर्स, ये खाना दिखाने का ये मकसद नहीं था कि हम खाना दिखा रहे हैं कि देने के, क्योंकि खुदा कहता है अगर सीधे हाथ से देते हो तो उल्टे हाथ को पता ना चले। दिखाने का ये मकसद था कि जितनी हमारी औकात या हैसियत थी हमने उसके मुताबिक किया। तो ये कहने का मतलब है कि आप भी अगर थोड़े में से थोड़ा गरीबों को देंगे तो खुदावंद आपके लिए आसमान के दरीचे खोलेगा। मेरा ईमान, मेरा यकीन है कि आप भी जो कुछ आपसे होता है आप भी करें, तो खुदावंद आप लोगों को भी तौफीक दे। ये तौफीक के सर पर होता है, और दिल से भी होता है कि जब हम दिल से चाहें कि हम किसी की हेल्प करें तो उसमें खुदा भी साथ देता है। गॉड ब्लेस यू, आमीन। तो गाइस उम्मीद है कि ये खाना उन तक पहुंचे जिनको वाकई इस खाने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ गाइस दुआ करना, और जिनको ज़रूरत है उन तक ये पहुंच जाए और उस खा के ज़रूर बढ़कर खाएँ। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास थोड़ा भी है तो उस पर थोड़े से भी देना, आप जानते ना अगर, तो खुदा आपको 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 100 गुना बरकत देता है। तो अपने हाथों को आप हमेशा देने वाला रखें तो आपको देने वाली खुदा की ज़ात है। तो ज़रूर आप ब्लेसिंग्स पाएंगे। तो ज़रूर गाइस एक दूसरे की हेल्प करें। और अब जैसा कि चल रहा है आप जानते हैं, हर कंट्री में लॉकडाउन चल रहा है, जॉब्स नहीं है, हर बंदा मजबूर है, हर बंदे को खाने की ज़रूरत है, क्योंकि कपड़ों के और शॉपिंग किए बगैर इंसान रह सकता है लेकिन खाने के बिना सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। तो जितना हो सकता है आप फूड, अगर आप हेल्प कर सकते हैं किसी की तो ज़रूर आप फूड दें, लोगों की हेल्प करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइस। ये फाइनल लुक हमारा आ गया है, हमने पैकेट बना लिए, ये साइड इस तरह करके इसमें हमने स्पून भी रख दिया और जूस भी रख दिया और पानी की बोतल भी रख दी। ठीक है, तो ये देखिए पैकिंग चल रही है अभी। अभी हम इसको देने जाएंगे। इसका फाइनल लुक पैकिंग हो चुकी है हमारी, ये हमने पैक बना लिए विद द स्पून एंड द जूस। सम पैकेट वी पुट वाटर, वो पड़ा हुआ है पानी, वो पानी भी हमने डाला है, और कुछ में हमने जूस डाल दिया। तो ये सारी पैकिंग है, सारे पैक तैयार कर दिए हमने। तो अभी हम इनको देने जाएंगे। हाँ जी अम्मी बताएं, कर दी पैकिंग आपने, थक गए हो आप? हाँ कर दी, खुदावन ब्लेस करे और बरकत दे पकाने वाले हाथों को भी, खुदावंद बरकत दे और पकाने वाले हाथों को भी खुदावंद अपनी कुव्वत और ताकत से भरे। और ये बिनिश ने बनाया है, खुदावंद इसके हाथों को बरकत दे और खुदावंद इसके नसीब अच्छे करे, आमीन। थैंक यू गाइस, ज़रूर दुआओं में याद रखना हमें, और हम भी आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। तो प्लीज़ गाइस आप भी अपने हाथों को खोलें,
हेल्प करें एक दूसरे की। ये वक्त ऐसा है कि हमें सबको एक दूसरे की हेल्प करनी है और सबको एक दूसरे के लिए खड़े होने। तो हेयर इज द फाइनल। ये सारी मेहनत हमने की है, अभी हमने पैकिंग की है, सुबह से हम लगे हुए, पकाया हमने खाना। तो ओके गाइस, सी यू लेटर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। तो गाइस, आई एम हेयर विद द फूड, वेटिंग फॉर द कार, आई एम इन द पार्किंग नाउ। गाड़ी आ जाए तो फिर उसमें रख के फिर हम जाते हैं फूड देने। तो ये सारे पैकेट्स जो हैं मैंने बना लिए, सारा फूड है, सारी बिरयानी हमने पैक कर ली है, बीच में इसके जूस है, पानी है। तो अभी जस्ट वेटिंग फॉर द कार, आप देख सकते हैं मैं पार्किंग में हूँ, आई एम इन द पार्किंग नाउ। तो जैसे गाड़ी हमारी आती है फिर हम ये देने जाएंगे, और जब देंगे वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता मुझे। तो ये भी दिखाने का ये मकसद नहीं है कि मैं आपको शो ऑफ कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मेरा खुदा बेहतर जानता है। ये सिर्फ इसलिए है कि गाइस आप लोग भी जितना हो सके अपने हाथों को खोलें, हेल्प करें। ऐसे दौर में ना जैसे चल रहा है वक्त, तो उसमें हमें हेल्प की ज़रूरत है कि हम एक दूसरे की करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सकती है हम हेल्प करें। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू अगेन, और प्लीज़ दुआ में याद रखना।